सड़कों पर पशुपालक के पशुओं और निराश्रित पशुओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान्हा उपवन का निर्माण कराया है, जिसमें सिर्फ गोरखपुर के कान्हा उपवन में लगभग 300 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि इस बार सभी पशुओं का टैगिंग कराया जा रहा है। टैगिंग होने के बाद अगर कोई छुट्टा पशु पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी पशुपालक नहीं माने तो पुलिस केस किया जाएगा। मंडलायुक्त ने सभी गोपालकों व डेयरी वालों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को अपने घरों या निर्धारित स्थानों पर ही रखें। मंडलायुक्त ने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति निराश्रित पशुपालन चाहता है तो सरकार उसे सहायता राशि देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, कहाँ उपन बनाएगा छोटा पशु लिए कुछ पशुपालक हैं सर को भी छोड़ देते हैं तो कितनी है पशुपालक की इस तरह कोई निर्देश दिया गया नहीं उनको। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कान्हा उपवन का लोकार्पण किया है कुछ समय पूर्व, और कान्हा उपवन में इस समय मेरी जानकारी के हिसाब से 300 से ज़्यादा पशु को रखा गया है। फिर भी देखा जा रहा है कि कुछ अंचलों में, नगरीय अंचलों में पशु गोवंश के घूमते पाए गए हैं, और नगर आयुक्त साहब को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो डॉक्टर त्रिपाठी पशुपालन एडी इंचार्ज के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी बना लें। और इसमें हम पहली बार शायद ये कर रहे हैं कि प्रत्येक पशु गोवंश का जो है वो चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गौआश्रय स्थल में रखा हुआ हो, उसको हम टैगिंग करा रहे हैं। अब एक बार टैगिंग हो जाने के बाद में, एक यूनिक नंबर उसको मिल जाने के बाद में, यदि वो पशु छुट्टा पाया जाता है, वो यदि गोपालकों का है, छोटी डेयरी लोगों का है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब क्योंकि जब टैगिंग हो जाएगा, एक आईडी रहेगा, एक नंबर रहेगा, तो इनकी पहचान करना आसान है और उनके घर पर ही हम जो है इसमें जुर्माना भेजेंगे। और यदि जुर्माने के बाद भी वो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे तो हम इसमें कठोरतम कार्रवाई कर सकते हैं। और निर्देश दिए गए हैं कि इसमें 133 CRPC में आप न्यूज़ पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत और भी जो धाराएं होंगी, जो सेक्शन होंगे, उसमें हम पुलिस में केस भी देंगे। इसलिए आपके माध्यम से ये हम सभी गोपालकों को, डेयरी वालों को कहना चाहते हैं कि वो अपने पशुओं को अपने ही सीमा, घर की सीमा के अंतर्गत रखें, और किसी भी कारण से हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो उनके गोवंश जो हैं सड़कों पर घूमें। बाकी जो निराश्रित गोवंश हैं उसमें शासन की एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है, और उसमें हम जनता से अनुरोध करेंगे कि वो निराश्रित पशुओं को, एक दो जो भी पशु हैं उनको सहारा दें, और उसके एवज में जो भी सरकार की राशि है वो हम उनको देने के लिए प्रस्तुत हैं। जी, निराश्रित पशुओं को यदि कोई भी आगे बढ़ता है और वो कहता है कि हम इन पशुओं को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार राशि देगी, सहायता देगी।